तो भाई फाइनली अपन जो है पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा सिटी, और वो है सामने पूरा अल्मोड़ा। फर्स्ट टाइम इन माय व्लॉग आप लोग देखोगे ड्रोन शॉट्स। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो भाई फाइनली आज वो दिन आ गया है। तो आज 28 सितंबर और अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं। तो भाई हमारा जो है राइड पे निकलने का टाइम हो चुका है, और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा अपने गियर अप हो चुके हैं, नीचे राइडिंग पैंट वगैरह पहन लिया है और ये अपने राइडिंग बूट भी हमने पहन लिए। तो फाइनली अपनी BMW G310RR को लेकर हम निकलने वाले हैं लॉन्ग राइड पे। ओह माय गॉड, वाओ। और हम जा रहे हैं उत्तराखंड की तरफ, और जिस जगह हम जा रहे हैं फिलहाल आज का अपना रूट जो है वो हम कवर करेंगे अल्मोड़ा। मतलब हम रात रात में निकल रहे हैं क्योंकि दिल्ली में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और अभी तो 9 ही बज रहे हैं, मतलब 11 बजे तक ट्रैफिक खत्म होगा। तो अभी निकलते निकलते मेरे को 10 बज ही जाएंगे जहाँ तक है, और कोशिश तो है जल्दी निकलने की लेकिन लेट होना ही है थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि रात को निकल जाते हैं, क्योंकि अपना जो दिन का रूट होता है ना सारा, उसमें बहुत गाड़ियाँ होती हैं यार, हाईवे पे बाइक नहीं चलाई जाती, बाइक का मज़ा ही नहीं आएगा जब तक खाली रोड ना मिले। और फिलहाल अभी का सीन ऐसा है कि अभी ये मेरा जो है टैंक बैग रखा हुआ है, और ये सारा सामान जो टैंक बैग के अंदर जाएगा, और बस अब ये सब रखने की तैयारी है इसके अंदर, और फिर इसको बाइक पे लगा देंगे। हेलमेट अपना अच्छे से रेडी है जो हमने कार्बन फाइबर कराया था, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और हो सकता है आगे जा करके हम हेलमेट अपना चेंज करके नया भी लें राइड्स आने के बाद। और ये एक मैं डीकैथलॉन से बैग लेके आया था छोटा सा, भाई 200 रुपये का इतना बढ़िया बैग मिल गया। तो ये खड़ी अपनी बाइक तैयार एकदम बढ़िया, और वॉश वॉश सब करा के रख लिया हमने, और ये अपना टैंक बैग लग चुका है यहाँ पे। ऐसा कुछ लग रहा है ये वाले जो स्ट्रैप हैं ये अंदर से होकर घूम के निकल जाते हैं, और एक स्ट्रैप इसका फ्रंट में लग चुका है जो अभी रात में ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है देखने में। तो अपना टैंक बैग तो अपना लग चुका है, अब टेल बैग लगा लेते हैं। ये अभी हमने टेल बैग भी लगा दिया पीछे, और अपना जो गार्डियन गियर्स का टेल बैग है वो हम लेके नहीं जा रहे हैं, ये वाला टेल बैग लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये आराम से इस पर आ भी गया, और इसमें कोई ऐसा टॉप रैक लगाने की भी जगह नहीं होती, स्पोर्ट्स बाइक का थोड़ा ये नुकसान है। लेकिन ये जो ट्रैवल बैग होते हैं ये आराम से आ जाते हैं। और दो बंजी मैंने बांध दिया, एक मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो बढ़िया तरीके से आ गई। और देख रहा बैग के कलर की मैचिंग की बंजी कॉर्ड है भाई, तो अब ये आराम से जो है यहाँ पर फिट हो चुका है। तो अपने लगेज तो पूरा बाइक पे लग चुका है, और बढ़िया लग रही है बाइक देखने में। और अब बस हम भी राइडिंग जैकेट पहनते हैं और बाइक पे बैठते हैं, क्योंकि 9:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, और मेरे साथ जो राइडर जाने वाले हैं उनसे भी आपको वहीं पहुँच के मिलवाता हूँ। फिलहाल मैं फटाफट से राइडिंग जैकेट पहनता हूँ और निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली अभी टाइम हो रहा है 10:15, और हम पहुँच चुके हैं नोएडा, क्योंकि मेरे को मिलना है अनिल भाई से, और यहाँ से हम गाज़ियाबाद की तरफ जाएंगे, GPS को फॉलो करते हुए जा रहे हैं फिलहाल। तो इस वजह से अपने को नोएडा से होकर गाजियाबाद निकलना है, और गाजियाबाद से सीधा अल्मोड़ा। अभी हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद के बिल्कुल आउटर में खड़े हैं, और बाइक जो है अपनी तैयार हो चुकी है एकदम बढ़िया से, और ये अनिल भाई की बाइक आ चुकी है, ये ले आया अपनी BMW GS310 फुली लोडेड है एकदम बढ़िया तरीके से, और इन्होंने पैनियर सारे लगा रखे हैं, और सामान भी सारा BMW का रख रखा है। और मैंने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें ये सारी एसेसरीज वगैरह देखने को आपको मिल जाएगी उस वाली वीडियो में, मैं उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में दे दूंगा। फुल्ली लोडेड लग रहा हूँ भाई। भाई ये खड़े अपने अनिल भाई, और अभी क्योंकि रात का टाइम है इसलिए दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा है कहीं चोरी वोरी करने जा रहे हैं, डाका वाका मारने जा रहे हैं, फुल पैक हो रखे हैं। एक ग्लव तुम्हारा लिया है, एक अपना लिया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वाह वाह वाह, ये ऐसे रात में नशे हो जाते हैं थोड़े। तो अब निकलते हैं फिर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो फिर अब हेलमेट पहनते हैं फटाफट और निकलते हैं आगे के लिए सीधे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा और क्या, बीच में स्टॉप भी तो ले। तो भाई अभी फाइनली अपन निकल गए हैं, और अभी हम बेसिकली हैं गाजियाबाद में, देख रहे हो अगल बगल में क्या बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बन चुकी हैं, महागुनपुरम और पता नहीं कितनी सारी यहाँ पर बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, एक से एक बढ़िया बढ़िया। और अभी बाइक में जो है फ्यूल बहुत ज़्यादा कम है, निकलते निकलते लेकिन 12:30 बज गए, बहुत ज़्यादा लेट आया अनिल अपना भाई, लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब, फुली लोडेड बाइक है इनकी, क्या खतरनाक लग रही है ये, है असली टूरिंग बाइक। तो हमने तो स्पोर्ट्स ले ली बस जोश जोश में, क्योंकि मेरा मन था स्पोर्ट्स में आने का, लेकिन भाई साहब टूरिंग की बात ही अलग है, ऐसा नहीं है भाई, मैं भी फुल कम्फर्टेबल बैठा हूँ, अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई मेरे को। क्या 100? अरे फुल बोला था यार। कैश 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 करोगे? 900 का कर दो। बस कितना है? 9.33 में टैंक अपना फुल हो चुका है।
कितना हुआ है? 100 का पहले भी था। क्या 100 का पहले भी था? 1000 का तेल आ नहीं सकता इसमें? बिना जीरो करे शुरू करा तूने इसके आगे, हमें बना रहा है। चलो भाई फाइनली पेट्रोल फुल करा लिया मैंने और फ्यूल रेंज हमारी यहाँ से दिखा रहा है 316 किलोमीटर और पेट्रोल डला है 900 रुपए का और हम निकलते हैं यहाँ से फटफट क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रेक्स हो चुके हैं, 1:45 यही हो चुका है, तो इसीलिए अब ज्यादा लेट नहीं करना है, अपने भगाते हुए चलना है सीधे हाईवे पे। बढ़िया एकदम मक्खन हाईवे बना हुआ है यार ये वाला, तो इस पे अलग ही मजा आ रहा है चलाने का। एक तो इसने परेशान कर रखा है, ये फोन माउंट ढीला हो गया। ए यार वैसे तो जीपीएस की जरूरत है नहीं क्योंकि आगे अनिल भाई ने लगा रखा है, लेकिन भाई साहब ये झनन 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 कर रहा है, वाइब्रेशन हो रही है इसमें, दिमाग खराब हो रहा है। भाई ये कौन सी जगह का नाम है? दुहाई भाई साहब। तो अभी ये पहला टोल आया है एक जो कि हमको हापुड़ जाने वाले रास्ते के बीच में ही पड़ा है, मतलब हापुड़ यहाँ से 15 या 16 किलोमीटर के आसपास है, तो ये पहला टोल आया है। 6000 सी फीट अप भाई साहब, मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है, जो बात है जैन शिकंजी शुरू हो गई यानी भाई साहब। दाल मखनी मिक्स वेज चना मसाला सेव भाजी दाल तड़का दाल फ्राई दाल पनीर कढ़ाई पनीर बटर डोसा बस यही है, तवा रोटी बटर रोटी स्टक रोटी लच्छा पराठा मिक्सी रोटी तवा रोटी तंदूरी रोटी बस आ जाओ अंदर। प्लेन रोटी होगी? प्लेन रोटी सब मिलेगा, पूरा तवा सब मिलेगा आपको। कलाकार आदमी है यार भाई साहब, पूरा याद करके रखा है क्यों अनिल भाई? पूरा याद है भाई साहब, ये तो याद न कर रखा है, सारी जितनी स्टेट है ना जितनी भी टोटल हर जगह गया। अच्छा जी, एक साथ लगड़ी रामपुरा करमपुरा चकीरा वाले तरुण बाग वाले ये दिल्ली तो बहुत घूमे इधर देखो तुम, मुरादाबाद बरेली से आज ही चपरा दालकोला पंजीपाड़ा पुरनिया दरभंगा समस्तीपुर भागलपुर चिकन वाला। अरे क्या बात है भाई, अभी हम रुके हैं रास्ते में शिवा ढाबा और अभी अल्मोड़ा यहाँ से रह गया 260 किलोमीटर, तो लगभग 6.5-7 घंटे दिखा रहा है जीपीएस पे, पर कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल हमने फुल करवा लिया अच्छे से और आगे जा करके एक बार और करवाना पड़ेगा क्योंकि एक बार की फुल की रेंज 300 किलोमीटर के आसपास होती है। फिलहाल अभी चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं बाइकें वहाँ लगी हुई हैं, पार्क हो रखी हैं और बड़ी मस्त लग रही है। तो ये ऐसा कुछ ढाबा है और ये लगी हैं अपनी दोनों बाइकें, ये देखो भाई मैंने अपना अधिकतर सामान उनकी बाइक में लगवा दिया है क्योंकि अपनी बाइक में इतनी जगह ही नहीं है सीट वीट की, और ऐसी कुछ लग रही है फ्रेम में देखो क्या ही बढ़िया लग रही है भाई साहब, बाइक मेरी बहुत तगड़ी परफॉर्म कर रही है अभी तक, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है और बैग भी एकदम बढ़िया तरीके से टाइट बांध के लगाया हुआ है मैंने, यहाँ पे बंजी कॉर्ड से बांध दिया है और रात को आपको उस टाइम दिख नहीं रहा होगा घर पे, लेकिन अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये ऐसे बंजी कॉर्ड से लगाया हुआ है दोनों तरफ से, मतलब अब लाइट में देखने में आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको जाना है राइड पे तो इस तरीके से सामान बन सकता है। और बाकी मेरा लैपटॉप वाला बैग था वो मैंने इसमें डलवा दिया है क्योंकि इनके पास पैनियर्स वगैरह सब है। इनकी बाइक देखो क्या ही खतरनाक लग रही है भाई साहब, ये देखो भाई 310 GS की भी बात ही अलग है कसम से, एडवेंचर इन्होंने तो काफ़ी कुछ लगाया हुआ है, पैनियर्स वैनियर्स बढ़िया लगा करके मस्त लग रही है। खाना खा चुका है, खाना कैसा था यहाँ का? बढ़िया था क्योंकि हमें ऑनेस्ट रिव्यू देना है। तो अच्छा था पक्का, शिवा ढाबा पे अच्छा था। अभी अपने भी खाना वाना खा चुके हैं और पेट अच्छे से भर लिया है, अब गोप्रो अपना भी सेट करते हैं और इसको चेंज करके आते हैं अपने हेलमेट पे, कैमरा ये वाला चेंज करके आते हैं अपने गोप्रो पे। चलो भाई खाना वाना खा लिया अच्छे से, और मैंने तो ज़्यादा हैवी खाया नहीं है, पराठा खाया बस आधा, और अपनी बाइक में जो है 275 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, 1656 किलोमीटर चल चुकी है। इसको मैं इतनी देर से चला रहा हूँ और अभी तक मुझे बैक पेन कुछ फील नहीं हुआ है और एकदम बढ़िया तरीके से मैं चलाता हुआ जा रहा हूँ। तो अभी सुबह के 5:10 हो चुके हैं और यहाँ पे फॉग शुरू हो गया हल्का हल्का, तो विजन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो भाई साहब अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और सामने का नज़ारा देखो यार, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड भाई, अपना इंडिया कितना ज़्यादा सुंदर है सच में, यही पूरा घूम लो बहुत बड़ी बात है। और अभी यहाँ से अल्मोड़ा रह गया है, कितना रह गया भाई दिख ही नहीं रहा, 116 किलोमीटर रह गया है, अभी हम नैनीताल रोड पे चल रहे हैं। तो भाई फाइनली अभी हम जा रहे थे अपना जो है अल्मोड़ा की तरफ, लेकिन रास्ते में इतना बढ़िया जो है व्यू
देखने को मिल गया। और पीछे आपको दिख रहा होगा एकदम खाली रोड है और सुबह का टाइम हो रहा है अभी 6, तो 6 बजे का जो ये मौसम है ना पहाड़ों का यार, ये बड़ा सुहाना होता है। और इसी वजह से हम यहाँ रास्ते में रुक भी गए और अपनी बाइक अभी हमने यहाँ लगा लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई बढ़िया बढ़िया फोटोज़ जो निकालनी थी, तो इसीलिए इंस्टा पे फॉलो कर लेना। वैसे ट्रक व्रक आ रखे हैं, थोड़ा रिस्की हो रखा है। बाइक यहाँ लगा रखी है गाइस, चेक करो एक बार मॉर्निंग में अपनी बाइक, क्या बढ़िया लग रही है देखने में। थोड़ी सी फोटो है और खिंचवा लें बढ़िया बढ़िया, और उसके बाद फिर निकलते हैं आगे के लिए। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, फोटो है ले ली हैं तगड़ी तगड़ी और मज़ा ही आ गया भाई। ये लोकेशन इतनी प्यारी है ना, आगे का पूरा रास्ता सीधा सीधा पेड़ों वाला भाई साहब, एक से एक फोटो है ले ली, इतने सुंदर नज़ारे यार सच में इधर ही मिल सकते हैं। तो अभी अनिल भाई के जो बाइक के टायर है उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है पंचर है, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा कम हो रखी है, इसीलिए अभी बाइक नीचे उतरवाई है, हवा बहुत ज़्यादा निकली हुई है। तो अभी फाइनली पेट्रोल पंप आए हैं हम, क्योंकि टायर में हवा बहुत ज़्यादा कम लग रही है, तो पंचर वंचर का सीन ना हो आगे रास्ते में दिक्कत करेगा। पेट्रोल पंप के पास ही पंचर वाले की दुकान मिल गई थी हमको टायर वायर की बढ़िया, तो इसीलिए हमने यहाँ पर पंचर लगवा लिया बाइक में। और वही सीन हुआ, कील निकली बाइक में और ज़्यादा बड़ी कील नहीं थी, लेकिन भैया कील जो है धीरे धीरे हवा निकालती रहती है, और इनके साथ वही सीन हुआ। अभी फिलहाल हमने पंचर लगवा लिया इसमें। ये देखो क्या खतरनाक रास्ता है भाई, और रोड इतनी ज़्यादा बढ़िया बनी हुई है ना उत्तराखंड साइड की। अभी मैं कुछ टाइम पहले आया था नैनीताल, तो रोड एक साइड की टूटी हुई थी बारिश वारिश की वजह से, लेकिन अभी काम इतनी तेज़ी से चला है कि रोड बढ़िया बना दी गई है, और अब एकदम नई नई रोड जैसे फील हो रहा है यहाँ पर। लग ही नहीं रहा यार ये पुरानी रोड से, एकदम नई नई लग रही है और एकदम स्मूथ है अभी तक तो। अभी तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है, आगे देखते हैं होता है क्या। ये देखो ऊपर लैंडस्लाइड हो रखी है पूरी, ये पूरा लैंडस्लाइड का है। ये ऐसे हो जाती है लैंडस्लाइड जब पूरी रोड तक आके नीचे तक चली जाती है भाई, कितनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखी है उत्तराखंड में। एक देखो ये रही, ये पूरे यहाँ पर मिट्टी जो है नीचे ढह के आ चुकी है और इधर की तरफ से नीचे जा चुकी है भाई। इस बार बारिश भी तो ऐसे हुई है, दिल्ली में लगातार 2-3 दिन बारिश होती रही है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा हुई होगी, और इस वजह से अभी यहाँ पर ठंडा मौसम भी है, और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है राइड करने का। छोटा सा है लेकिन बढ़िया लग रहा है। अभी निकलते हैं आगे, ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ आपको दिखाते हुए चलेंगे और खुद भी मजे लेते हुए चलेंगे। वही अभी अल्मोड़ा रह चुका है 72 किलोमीटर और 2 घंटे दिखा रहा है अभी भी यहाँ से, लेकिन सामने का नज़ारा देखो यार कितना ही प्यारा लग रहा है भाई साहब, एकदम बढ़िया एक नंबर, इतना खूबसूरत व्यू है यार, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। और अभी एकदम मीठी मीठी वाली धूप हो रखी है, ये वाली धूप अच्छी होती है पहाड़ों की, ये लगती नहीं है ज़्यादा, मतलब अपने यहाँ की धूप में तो बंदा ऐसी पिघल जाए, लेकिन यहाँ की धूप देख रहे हो भाई इतनी बढ़िया, एकदम मीठी मीठी, हल्का हल्का ठंडा ठंडा फील हो रहा है। और ये सामने की चट्टान है, क्या ही बेहतरीन लग रहा है, ओए होए होए मज़ा आ गया, देख रहे हो क्या बढ़िया लग रही है। और ये धीरे धीरे अब और ऊंचाई पे चढ़ने लग रहे हैं, और सामने के नज़ारे बढ़िया ही बढ़िया है भाई, बढ़िया ही बढ़िया। मैं वो क्या लिखा है आगे, HBG, अभी तक तो हमने ऐसे लिखा हुआ हॉलीवुड ही देखा था। तो भाई फाइनली अभी हम आ चुके हैं नैनीताल मॉल रोड, और भाई साहब मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम जिस रूट से आएंगे GPS से अल्मोड़ा के लिए, उसके बीच में नैनीताल के अंदर से होकर निकलना पड़ेगा। मैं सोच रहा था बाहर बाहर से जाना पड़ेगा, पर भाई ये तो एकदम अंदर ले आया, नैनीताल के मॉल रोड पे चल रहे हैं, और साइड में ये रही नैनी लेक, फेमस लेक, और बोटिंग कर रहे हैं लोग मज़े से यार, क्या ही बढ़िया नज़ारा हो रखा है। और नैनीताल का मौसम इस टाइम बड़ा अच्छा हो रखा है यार, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, काफ़ी ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है हल्का हल्का, तो यार ये चीज़ बढ़िया है, मतलब ये बढ़िया टाइम है आने का बारिश के बाद वाला। तो अभी हम इसको क्रॉस करते हुए जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं नैनीताल में, हमको रुकना सीधे अल्मोड़ा में ही है, वहीं होटल लेना है। वही अभी टाइम हो रहा है 10:20, वैसे तो लेट हो गया हमको, क्योंकि बीच में हमने जो ब्रेक्स वगैरह लिए थे मैगी वगैरह खाने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा देर तक ले लिए, कम से कम 1-1.5 घंटा हम वहीं बैठ के बातें बातें करते रहे, इसीलिए ब्रेक बहुत लंबे हो गए। और अभी फिर से हम एक जगह पर और रुके हैं, और ये हमने बाइकें यहाँ लगा दी हैं भाई साहब, धूप में तो और प्यारी लग रही है ये, अभी धूप थोड़ी तेज़ है लेकिन पता नहीं लग रहा है, जैकेट पहन रखी है और गर्मी फील नहीं हो रही, पहाड़ों का यही तो फायदा है। और अभी बाइकें हमने यहाँ लगा दी है, क्योंकि अभी जो है अपने अनिल भाई इनके पास है ड्रोन, तो इसीलिए ये ड्रोन उड़ाएंगे अभी जा करके, और ड्रोन शॉट्स लेंगे बड़े तगड़े तगड़े, और हम भी इंजॉय करेंगे वो ड्रोन शॉट्स, और तुम भी इंजॉय करना। तो ये ऐसी कुछ लोकेशन है,
रूफ टॉप एकदम बढ़िया लोकेशन पे अभी ड्रोन उड़ाया जाएगा। और ये सामने की पूरा व्यू है तगड़ा वाला नैनीताल का। नीचे होटल बने हुए हैं और ये जो व्यू है ना यार, ये एकदम दिल को भा जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। फर्स्ट टाइम इन माय व्लॉग आप लोग देखोगे ड्रोन शॉट्स। ड्रोन की फुटेज बताना मेरे को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। और अगला पहनते हैं फटाफट और निकलते हैं अल्मोड़ा के लिए। भाई साहब अब यहाँ से मुश्किल से एक घंटा सवा घंटा रह गया, फटफट पहुँचते हैं अल्मोड़ा, ज़्यादा लेट नहीं करना है। ये हाँ 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 मज़ा आ गया। ये नज़ारा है, पानी बहता हुआ जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार। कितना प्यारा लग रहा है सच में, इतना साफ और सफ़ेद पानी है ना, एकदम बढ़िया लग रहा है देखने में। नदी जा रही है बहती हुई और इसी से अभी हमें साइड साइड से होते हुए जाना है। और ये हमारा रूट है अल्मोड़ा जाने का। और ऐसी कुछ चट्टाने हैं बड़ी बड़ी, बहुत ही बढ़िया। और ये लैंडस्लाइड वगैरह होती है तो ये देखो लैंडस्लाइड का सारा माल पड़ा हुआ है यहाँ पे। खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक सीन है। और कोई दिक्कत नहीं है, जब ऐसा नज़ारा है, ऐसे पहाड़ है तो भाई हम चले जाएंगे अपने आराम आराम से। तो चलो फिर चलते हैं आगे। पूरी रोड पे काम चल रहा है, बहुत देर हो गई ऐसे ऐसे खराब रास्तों पे बाइक चलाते हुए। तो फाइनली उस खराब रास्ते के बाद बहुत ही बढ़िया रास्ता आ चुका है। और भाई साहब अब अल्मोड़ा सिर्फ रह गया है 12 किलोमीटर। कृपया धीरे चलकर प्रकृति का आनंद लें, ठीक है भाई। ये देखो, आई विल शो यू गाइस, वेट, यहाँ लगाते हैं। अब देखो भाई, हो हो हो, सामने वहाँ पर नदी बह रही है बहुत प्यारी, छोटी सी लग रही है, इतनी बड़ी चट्टानों के बीच में से पानी बहता हुआ जा रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। और ये पूरे एकदम बादल बादल आ चुके हैं अच्छे से, जबकि दोपहर के 1 बज रहे हैं अभी, और इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना देखने में भाई। यही तो सारा हमें चाहिए था भाई, पैसा वसूल है एकदम, सच में राइड के पैसे वसूल हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मन कर रहा है यहीं बैठ जाएं आराम से और इस व्यू को देखते रहें, लेकिन अपने को पहुंचना है क्योंकि नींद भी पूरी करनी है ना आगे की राइड करने के लिए। तो भाई फाइनली अपन जो है पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा सिटी, और वो है सामने पूरा अल्मोड़ा, और बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है दूर से देखने में। मतलब यहाँ से दिख रहा है भाई पूरा, ये सारे घर अल्मोड़ा के अंदर ही हैं। और ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, ये है सिटी मॉल, अल्मोड़ा के अंदर ही एक मॉल भी है। तो अभी चलते हैं आगे। तो अभी भाई हम सिटी के ज़्यादा अंदर नहीं गए हैं, मतलब काफ़ी बड़ी सिटी है, अभी तो हम ये बाहर वाली रोड पर ही हैं और यहीं पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। तो भैया अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और हमारी जो होटल हंटिंग चल रही थी इतनी देर से वो ख़त्म हो चुकी है फाइनली। मतलब इतनी देर से अल्मोड़ा में घूम रहे थे अलग अलग जगह, लेकिन एक हमने पसंद कर लिया और ये जो है हमने कसार देवी के पास किया है, क्योंकि कसार देवी यहाँ की बड़ी फेमस जगह है। तो हमने कहा कि जिस जगह हमें जाना ही है उसके आसपास ही होटल ले लेते हैं। और यहाँ पर फॉरेनर्स भी रहते हैं भाई, अभी बहुत सारे फॉरेनर्स दिखे थे, लेकिन अभी भाई हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम वापस से बाहर जा करके कुछ दिखा सकें, क्योंकि अब जाकर रिलैक्स मिला है जब हमको होटल मिला है, वरना कल रात के चले हुए अल्मोड़ा लगभग 2 बजे पहुँचे हैं हम, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी हमने जो है ये होटल जो पसंद किया है, इसमें बाइक अभी हमने यहाँ लगा दी है, ये मेरी वाली बाइक लगी हुई है, वो अनिल अपनी बाइक वहाँ पर लगा ही रहा है। और ये हमारे सामने रूम्स हैं, और रूम के पीछे का वो जो आपको व्यू दिख रहा है ना अभी, वो हमारी रूम की बालकनी से दिखेगा। अभी देखना, बहुत तगड़ा रूम लिया है इस बार, और यहाँ पर काम वाम चल रहा है। और ऐसा कुछ रूम है, रूम काफ़ी अच्छे हैं, नीचे भी काफ़ी सारे रूम हैं और काफ़ी सही प्राइस में मिल गए हैं। तो अभी मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ रूम कैसा है हमारा। तो ये अपना रूम दिखाता हूँ आपको अंदर से, ब्लू दरवाज़ा, क्या बात है। तो ये ऐसा कुछ रूम है अपना, ओहो क्या ही बढ़िया लग रहा है यार। और ऊपर सीलिंग कुछ ऐसी है इसकी, भाई साहब रूम बहुत तगड़ा है। सामने टीवी यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर बढ़िया एकदम डिज़ाइन हो रखा है, अच्छा टेक्सचर वगैरह। और ये है सामने की विंडो, और ये अपना डबल बेड है भाई। और यहाँ पर हमने जो है अपनी जैकेट टांग दी है, यहाँ हम दोनों के हेलमेट रखे हुए हैं, नीचे ग्लव्स व्लव्स डाल दिए। और ये है इसका वॉशरूम जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और स्पेशियस है। और अब ये दिखाते हैं हम आपको इसकी बालकनी, जो हमने पहले से ही खोली हुई थी, इतनी बड़ी बालकनी। और ये है बालकनी के सामने का व्यू,
सुबह भाई क्या खतरनाक, ऊपर काले बादल हो रखे हैं, बारिश आएगी लग रहा है रात तक, और पूरे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं मस्त एकदम, और यहाँ पर वैली नीचे आहा ग्रीनरी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूम है भाई। ये बगल वाले रूम की बालकनी भी ऐसी है, ये अपनी बालकनी है, और यहाँ बैठने के लिए दी हुई है अलग चेयर्स वगैरह बढ़िया। ये गेट है भाई खुलने का, क्या ही बढ़िया रूम है यार। तो ये तो था जी अपना रूम टूर, और अब बस इस ब्लॉग को करेंगे अपन एंड, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मतलब हमने सोचा था कि 7-8 घंटे में अब आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन हम पहुंचते पहुंचते 13-14 घंटे के आसपास लग गए। फिलहाल इस ब्लॉग को अपन यहाँ पर करते हैं एंड। बताना कैसा लगा आपको दिल्ली टू अल्मोड़ा ऑन BMW G310 RR पे, और बाकी मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एक नंबर बाइक है यार, सही में मज़ा आ गया चलाने में। जहाँ सड़क खाली दिखती थी ना मैं भगाता था फुल, और जितने भी ख़राब रास्ते थे वहाँ पर भी अच्छे से बाइक निकल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अब ऐसी आगे की अपनी ये ट्रिप ऐसी चलती रहेगी, बने रहना चैनल पे, और इस व्लॉग को यहाँ पर करते हैं अपन एंड। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना आपको इसमें जो भी अच्छा लगे। अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अरे 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 भयंकर कीड़ा घुस गया मुँह में।